नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ टेक फॉर जानवर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पेटीएम के कुछ हिडन सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। जो आपको प्रोमो कोड मिलते हैं, जो आपको ऑफर मिलते हैं, उनके कुछ मैं आपको आज सीक्रेट बताने वाला हूँ। दोस्तों आज से पहले किसी ने भी आपको ये सीक्रेट नहीं बताए और ना ही आपको कोई बताएगा। तो अगर आप इन हिडन सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है, ना ही आप किसी ने बताए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप इस हिडन सीक्रेट के बारे में जान लेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप पेटीएम कैश कमाना चाहते हैं तो मैं पेटीएम कैश कमाने वाली ऐप का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपीज़ साइन अप बोनस मिल जाएगा और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा पेटीएम कैश कमा सकते हैं। दोस्तों जो पेटीएम का पहला हिडन सीक्रेट है दोस्तों, वो है UPI ऑफ़र का। दोस्तों आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपको अगर कोई ऑफ़र मिलता है, जैसे कि आपको ऑफ़र मिल गया 7 पे 5 UPI ऑफ़र, आपने वो ऑफ़र लूटा, आपने एक दो बार लूट लिया, लेकिन आपको वहाँ पर ऑफ़र की डेट दिखाई जा रही है 31 मार्च, जैसे कि दोस्तों मैं आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ, और डेट है 15 मार्च, और आपने ऑफ़र लूटा है, लेकिन लूटने के दूसरे दिन बाद ये ऑफ़र आपके शो नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये ऑफ़र शो क्यों नहीं होता, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे पेटीएम का एक बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि पेटीएम ऐसा नहीं चाहता है कि आप ही इस ऑफ़र को बार बार लूटे जाएं, क्योंकि मैंने आपको हमारी पहले वाली वीडियो में बताया है कि अगर आप पेटीएम के काफ़ी सारे ऑफ़र लूटते हैं, आप काफ़ी सारे कैशबैक लूटते हैं, तो पेटीएम को सब पता चलता रहता है, क्योंकि पेटीएम पर आप लूट रहे हैं तो पेटीएम को तो पता चलेगा ही ना, तो पेटीएम को पता चलता रहता है। और पेटीएम नहीं चाहता है कि आप ऐसे अनलिमिटेड लूटने लगें, पेटीएम नहीं चाहता है, क्योंकि पेटीएम को नुकसान होता है। पेटीएम अगर कोई भी ऑफ़र लाता है वो सभी के लिए लाता है कि सभी को फ़ायदा हो। पेटीएम ऐसा कुछ नहीं करता है कि अकेले के लिए ऑफ़र लाया है बस उसको ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं करता है, वो चाहता है कि सबको ऑफ़र मिले। लेकिन अगर अकेला बंदा ही लगा रहेगा उस ऑफ़र को लूटने, तो पेटीएम कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाएगा ना, तो इसलिए पेटीएम उस ऑफ़र को हटा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा, वो सभी अकाउंट में से नहीं हटाता है, बाकी के अकाउंट में चलते रहते हैं, जो ठीक ठाक लूट रहे हैं, ज़्यादा नहीं लूट रहे हैं, उनके अकाउंट में शो होता रहता है, लेकिन आप अगर ज़्यादा लूट रहे हैं तो आपके हटा देता है। लेकिन दोस्तों वो ऑफ़र फिर से दोबारा वापस आ जाता है, जैसे कि 2 से 3 दिन तक आप चेक करेंगे तो आपको वो ऑफ़र नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे 4 से 5 दिन होंगे वो ऑफ़र आपको दिखाई देगा, क्योंकि पेटीएम फिर से आपको वो ऑफ़र दे देता है। पेटीएम जानबूझ कर ये ऑफ़र छुपा लेता है, वो नहीं चाहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लूटें, आप अनलिमिटेड लूट मचा दें और पेटीएम को आप कंगाल कर दें। पेटीएम कभी भी ऐसा नहीं चाहता है। दोस्तों मैं करता हूँ दूसरे हिडन सीक्रेट की बात। जैसा कि पेटीएम पर काफ़ी सारे प्रोमो कोड आते हैं, जैसा कि पेटीएम पर आ गया Grab50, UPI Free50, Monthly20, Monthly10, तो इनमें भी एक काफ़ी बड़ा सीक्रेट है। पहले मैं आपको बताता हूँ Monthly20 का सीक्रेट। जैसा कि मेरे साथ अब ऐसा सीन हुआ, पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है। आपको पता है कि पेटीएम हर मंथ Monthly20 प्रोमो कोड देता है, तो मेरे को पिछले 2 से 3 मंथ तक मिल रहा था, मैं लूट रहा था, लेकिन इस बार पेटीएम ने कुछ नया किया है। दोस्तों नया क्या किया है कि मेरे प्रोमो कोड तो लग रहा है, लेकिन जब मैं वैल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर जाता हूँ ना, तो वहाँ पर शो नहीं करता है। जैसे पहले क्या होता था कि वहाँ पर शो होता था प्रोमो कोड कि आपके लिए, आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। दोस्तों ये मेरे टोटली सभी अकाउंट के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं सभी अकाउंट पर अप्लाई करता था, जिस अकाउंट पर आता था मैं ऑफ़र लूट लेता था, तो उन सभी अकाउंट में मेरे साथ ऐसा पेटीएम ने किया है। हालांकि मैंने अपने दोस्तों से जब बात की तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं हर मंथ लूटता हूँ, मैं लूट मचा देता हूँ, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो दोस्तों पेटीएम का दूसरा सीक्रेट ये है कि अगर आपको कोई प्रोमो कोड मिल रहा है, जैसे कि Monthly20 मिलता है, तो अगर आप उससे नेक्स्ट मंथ चेक करते हैं तो आपके वहाँ पर शो नहीं होता है, तो आप ये मत सोच लीजिए कि आपको मिला नहीं है। दोस्तों क्या पता कि वो प्रोमो कोड आपको मिला हो, तो आप एक बार लगाकर ज़रूर देखना। आपको कहीं से भी कोई प्रोमो कोड पता चलता है तो आप एक बार लगाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि पेटीएम इसमें थोड़ी सी चालबाजी कर जाता है जिससे आपका फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो अगर आपके अकाउंट पर कोई प्रोमो कोड पहले आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो आप एक बार लगाकर चेक कीजिए, हो सकता है कि आपको मिला हो। लेकिन ऐसा मत करना कि आपने इस मंथ यूज़ कर लिया फिर आप दोबारा लगाने लगे कि अब शो नहीं हो रहा तो अब लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको ट्राई करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं पक्का आपको नहीं कहूँगा कि वो लग जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे चांस मेरा तो लग गया, हो सकता है कि आपके भी लग जाए।
अगर लग जाता तो मुझे वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ पेटीएम के तीसरे हिडन सीक्रेट के बारे में, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे को काफ़ी बुरा लगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताई थी, मैंने हमारे लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि मैं आपको UPI फ्री 50 के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो पेटीएम ने क्या इसमें किया कि मैं UPI फ्री 50 वाला ऑफ़र लूट रहा था। मैंने दो बार लूट लिया था, लेकिन तीसरे दिन मैंने वो ऑफ़र नहीं लूटा, मेरे से हो रहा था। लेकिन चौथे दिन मेरा एक दोस्त मेरे से रिचार्ज करवाने आया, तो मैंने उसका रिचार्ज करने के लिए अपने उस पेटीएम अकाउंट को ओपन किया जिसमें मुझे ये प्रोमो कोड मिल रहा था। तो मैंने वहाँ पर देखा तो ये प्रोमो कोड है ही नहीं। दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ। मैंने देखा कि मुझे तो ये प्रोमो कोड मिला था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये प्रोमो कोड नहीं मिल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया इससे, क्योंकि मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने अप्लाई भी कर देखा, लेकिन अप्लाई भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन भी नहीं मिला, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने देखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों आज मैंने जैसे ही ओपन किया वो अकाउंट, तो फिर से वो प्रोमो कोड आया पड़ा था और मैंने कैशबैक भी लूट लिया। मतलब कि पेटीएम यहाँ पर कमाल कर रहा है, धमाल कर रहा है इस मामले में। दोस्तों इससे मतलब ये निकलता है कि अगर आपको UPI फ्री 50 प्रोमो कोड मिला ना, तो आप डेली यूज़ कीजिए। अगर आपने एक दिन मिस कर दिया ना, तो हो सकता है कि आपके भी शो ना हो, फिर आपके 2 से 3 दिन लॉस जाएँ। तो पेटीएम का ये भी सीक्रेट है जो मुझे बुरा लगा थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे पेटीएम से कोई शिकायत नहीं है। पेटीएम ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि सभी को ऑफ़र लूटने को मिले, कोई अकेला ना ले जाए। मैं यहाँ पर पेटीएम की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पेटीएम के हिडन सीक्रेट बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको इन सीक्रेट के बारे में पता हो और आप ऑफ़र ज़रूर लूटें, आप ऑफ़र से मत पीछे छूट जाएँ। तो दोस्तों पेटीएम के पास ये 3 सीक्रेट थे। अगर मुझे और भी पेटीएम के सीक्रेट के बारे में पता चलता है तो मैं एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो ज़रूर बताना कमेंट कर, अगर नहीं हुआ तो भी बता देना, मुझे पता चले कि आपके साथ ऐसा सीन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।